मोटरमैन की आत्महत्या के बाद मुंबई की लोकल सेवा हुई ठप्प। मोटरमैन ने ओवर टाइम ड्यूटी से परेशान होकर की आत्महत्या। अभी भी कई मोटरमैन ओवर टाइम के विरोध में। अब पुणे नासिक का सफर सिर्फ 3 घंटे में होगा पूरा। महाराष्ट्र सरकार ने 2 शहरों के बीच 213 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ट्रैफिक पुलिस ने युवा बाइकर को मारी लात, उसके चेहरे पर जड़े थप्पड़, वीडियो आया सामने। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री से रामपथ तक 1 किलोमीटर तक खचाखच भीड़। मुंबई में अगले 2 दिनों तक बादल रहेंगे छाए, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट हुआ जारी। मैं जय श्री राम जरूर कहूंगा लेकिन उससे पहले जय शिवराय कहूंगा, लोकसभा में अमोल कोढ़ी का भाषण। मुंबई के नए कॉरिडोर पनवेल करजत के लिए सुरंगों का काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। पुणे में नवले ब्रिज के पास हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने 3 से 4 गाड़ियों को मारी टक्कर। मैं भगवान राम की इज्जत करता हूं पर गोडसे से नफरत करता रहूंगा, राम मंदिर पर सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। क्या मैं बाबर जिन्ना और औरंगजेब का प्रवक्ता हूं, राम मंदिर के बहस के दौरान बोले असदुद्दीन ओवैसी। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 टेस्ट मैचों में भी नहीं खेलेंगे विराट कोहली, बीसीसीआई ने किया कन्फर्म। एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी का एक्शन, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नासिक में देवेंद्र फडणवीस के दौरे पर बवाल, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश, कई कार्यकर्ता हिरासत में। 10 से 12 घंटे की पूछताछ के बाद मॉरिस के बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा को बोरीवली कोर्ट में पेश किया। बोरीवली में इमारत का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 2 ऑटो रिक्शा चालक हुए घायल। भाजपा शासन में गुंडा राज फैल गया है, महाराष्ट्र की घटनाओं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिंदे सरकार पर बोला हमला। 2 शातिर हिस्ट्री शीटर कार चोर को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट में अरेस्ट किया, 19 केसेस में गायब थे। इंस्टाग्राम पेज बनाकर करता था ड्रग्स की सप्लाई, ठाणे पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, 60 किलो गांजा, 290 ग्राम चरस बरामद। विधायक गणपत गायकवाड़ के बेटे वैभव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है ठाणे पुलिस। पालघर में बिल्डिंग की पेंटिंग करते वक्त करंट की चपेट में आए मजदूर, एक की मौके पर मौत, एक घायल।